आज शाम में 10:30 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना दरगाह क्षेत्र में कैलाश होटल के पास गोली चली है। मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंच के जब जानकारी की तो 4 लोग इसमें नदीम, कादिर, अनीस व महफूज को गोली लगने की बात की पुष्टि हुई। तत्काल उनको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। हॉस्पिटल से उनकी चोटों को देखते हुए चिकित्सक ने उनको लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया है। हमारी पुलिस फोर्स के साथ एम्बुलेंस में वो लखनऊ के लिए रेफ़र हुए हैं। मौके का मुआयना मेरे द्वारा व सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। बात ये निकल के आ रही है कि शाम के समय पे इन 4 व्यक्तियों का जिनके द्वारा इनको घायल किया गया है उनसे कुछ विवाद हुआ था और उनके द्वारा इनको कुछ धमकी भी दी गई थी। इसी संदर्भ में वापस वो लोग लौट के आए और इनके ऊपर फायर किया है। फायर की चोट लगने से ये लोग घायल हुए। चौकी पे शिकायत की गई थी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इन सब चीज़ों को लेकर क्या मानते हैं? मौके पर जानकारी करने में ये पता लगा है कि शाम को 8 से 9 बजे के बीच में जो पहला विवाद हुआ था उस संबंध में सूचना जो है वो चौकी पर दी गई थी। लिखित सूचना थी, मौके की अभी उनके परिजनों से बात हो रही है और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई की। इस घटना को इतना संगीन घटना मानते हैं, तोड़ गोलियों से फायर करके घायल कर देना, 4 लोग घायल हुए हैं गोली से, इस घटना को डेफिनेटली अगर फायरिंग हुई है, लोग उसमें घायल हुए हैं तो एक सीरियस घटना है। इसको उच्च स्तर की सीरियसनेस देते हुए ही हम लोग तत्काल इसमें हम लोगों ने टीमें रवाना कर दी हैं और इसको जल्द ही हम लोग जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया है कप्तान साहब, उसको आपने